मैं दिनेश कुमार शर्मा, प्राध्यापक राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बगरू। आज हम फुटप्रिंट विदाउट फीट पुस्तक का चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। अनिल वाज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी, चंद्रमा की चांदनी बालकोनी में आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं आंगन पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति का अवलोकन करते हुए सोचते हुए। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैंने ये धन प्राप्त कर लिया। आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ की रेलगाड़ी पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकलते हुए। आई क्रैप्ड अप टू द बेड, मैं बिस्तर तक रेंग कर गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बिल्कुल साफ और बिना झुर्रियों का था। इवन आई हैड मोस्ट मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर बहुत सारे मार्क थे, चिन्ह थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि मेरे वाले ज़्यादातर दाग थे। माई हैंड स्लिप्ड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ चुपके से गद्दे के नीचे चला गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, रुपयों की तलाश करते हुए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उनको पाया। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने बिना आवाज़ के उनको बाहर खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, अनिल ने नींद में आह भरी और अपनी करवट बदली। टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्वारल्ड आउट ऑफ द रूम, और चुपके से शीघ्रता से कमरे के बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था। आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स इन माई वेस्ट, रुपये मेरी कमर में थे। हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, मेरे पायजामा का जो है ना स्ट्रिंग यानी नाड़ा, उससे बंधे हुए कमर में थे। आई स्लोड डाउन टू वॉक, मैं धीरे हुआ और चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोटों को यानी रुपयों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50, 50 रुपये के रूप में 600 रुपये थे, यानी कुल रुपये 603, नोट 50-50 के थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, मैं 1-2 सप्ताह तक अरब देश के धनवान जो है ना तेल वाले, उनकी जैसे जी सकता था। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बोट ए टिकट इन माई लाइफ, क्यों नहीं रुका ये बता रहा है कि मैंने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी रवाना हुई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, रेलगाड़ी को अभी स्पीड पकड़ना था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरिजेज, बट आई हेजिटेटेड, और मैं किसी भी एक डिब्बे में आसानी से कूद कर चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेट, लेकिन मैं झिझक गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किसी कारणवश झिझक गया, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं वहाँ से भग कर जाने का मैंने मौका खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब रेलगाड़ी जा चुकी थी। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोंग द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पर पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि रात कहाँ व्यतीत की जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र भी नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स
वर मोर ट्रबल देन हेल्प, ऐसा विश्वास करते हुए कि मित्र ज़्यादा परेशानी देते हैं मदद के, ये सोच करके मेरे पास कोई मित्र भी नहीं था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन करियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और स्टेशन के पास की कोई छोटी होटलों में ठहर करके मैं किसी की जिज्ञासा का कारण भी नहीं बनना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब, एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं वास्तव में जानता था वह व्यक्ति था जिसको मैंने लूटा था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ते हुए आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से धीरे धीरे चला। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, चोर का जो मेरा छोटा सा ये कैरियर था उसमें आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने व्यक्तियों के चेहरों का अध्ययन किया है। वैन दे हैड लॉस देयर गुड्स, जब उनका कोई सामान खो जाता है तब उनके चेहरे कैसे लगते हैं इसका मैंने अध्ययन किया। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी डर प्रदर्शन करते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, धनवान व्यक्ति गुस्से का प्रदर्शन करते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी स्वीकारोक्ति को दर्शाता है, यानी जो भी हुआ उसको स्वीकार कर लेता। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थीप थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा व्हेन दैट ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको चोरी का मालूम चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो वो एक उदासी प्रदर्शित करेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के नुकसान के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन जो विश्वास खोया ना उसकी उदासी उसके चेहरे पर आएगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर मैं बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर का महीना था शुरुआत का। एंड ए लाइट ड्रिजल, और हल्की बरसात थी। एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, और इससे मेरी जो है ना परेशानी बढ़ रही थी। सोन इट फाउंड रेनिंग क्वाइट हैवली, शीघ्र ही तेज बरसात होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और पायजामा मेरी चमड़ी के चिपक गया। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा ने मेरे चेहरे के आर पार बरसात फेंकी। आई वेंट बैक टू बाजार, मैं वापस बाजार में गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और जो क्लॉक टावर है समय दिखाने का घंटाघर, उसके शेल्टर में बैठ गया, यानी उसके कोई नीचे छाया थी उसमें। द क्लॉक शोड मिडनाइट, रात के 12 बजे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बरसात से भीग गए थे। अनिल मनी, अनिल का धन। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 नोट्स टू गो टू सिनेमा, सुबह के समय में संभवतः वो मुझे 2 या 3 नोट देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये पूरा मेरे पास था। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसके भोजन नहीं पका सकता था। रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, अब नहीं बाजार जा सकता था, नई सेंटेंस लिखना सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं इन सब को चोरी की उत्तेजना में भूल गया था। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, मैं जानता था कि पूरे वाक्य लिखना किसी दिन मेरे लिए सैकड़ों रुपए ला सकता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, ये एक साधारण चोरी का मामला था। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बार इतना सिंपल कि पकड़ में भी आ जाए। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन किसी वास्तविक व्यक्ति के लिए, चतुर व्यक्ति के लिए और सम्मानी व्यक्ति के लिए वॉज समथिंग एल्स,
कुछ अन्य था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मैंने अपने आप से कहा यदि मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और बहुत परेशानी महसूस करते हुए मैं वापस कमरे पर गया शीघ्रता से। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि चोरी करने से ज़्यादा मुश्किल बिना पकड़े हुए वापस लौटाना था। आई ओपन्ड दैट डोर क्वाइटली, मैंने दरवाज़ा खोला धीरे से। Then stood in the doorway, फिर दरवाजे पर खड़ा हो गया। It clouded moonlight, और चंद्रमा की चांदनी पर बादल छा गए थे। अनिल was still asleep, अभी भी सोया हुआ था अनिल। I crept to the head of bed, मैं चुपके से बिस्तर के सिरहाने गया। And my hand came up with the note, और मेरा हाथ नोटों के साथ आया। आई फेल्ट द ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं अपने हाथ पर सांस महसूस कर सकता था। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं एक मिनट तक शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ ने उसका गद्दे का कोना पकड़ा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट, और नोटों के साथ उसके अंदर चला गया। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह देर से जगा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और पाया कि अनिल ने चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ फैलाया। देयर वाज ए 50 नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके अंगुलों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मैं पकड़ा जा चुका था। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा समझाया कि मैंने कल कुछ धन कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको रोजाना चुकाया जाएगा, यानी तुम्हें तनख्वाह दी जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा जगी। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया। आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने देखा कि वो रात की बरसात से अब भी गीला था। टूडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, उसने कहा आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जान गया था। बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आई शोड एनीथिंग, लेकिन न तो उसके होठों ने न ही उसकी आँखों ने कुछ प्रदर्शित किया। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे सबसे आकर्षक तरीके से। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और मुस्कुराहट स्वतः ही आ गई। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। सेकेंड पार्ट खत्म, तीसरा चैप्टर कल पढ़ेंगे।